खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हर भारतवासी के लिए आज बेहद गर्व का दिन है। चंद्रमा की सतह पर आज चंद्रयान 2 कदम रखने वाला है और हर किसी को उस पल का इंतजार है जब वो इस ऐतिहासिक पल को देख पाएंगे और इस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन पाएंगे। इस समय उड़ीसा के पुरी में हम मौजूद हैं और पुरी का ये बीच आपको बताएं बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अपनी उन आकृतियों को उकेरते हैं रेत पर जो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, और आज एक ऐसा ही इतिहास वो रच रहे हैं। चंद्रयान 2 की आकृति को उकेर कर किस तरह से यहाँ पर लैंड होगा और किस तरह से ये आकृति जो है अभी वो बनकर उभरेगी वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आपको बताएं कितनी देर से लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस आर्ट को देखने के लिए और इस खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बनने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरह से आज का ये जो पल है वो उनके लिए खास है। और ऐसे में जब इतने महान कलाकार की आकृति आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वैसे भी भारत के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक पल है, क्या इस समय महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग है वो? इट्स डेफिनेटली अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द आर्टिस्ट, लुक एट द वर्क ही इज डूइंग, इतना फाइन वर्क्स एंड इट्स नो जोक, आई मीन इट्स अमेजिंग, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। चंद्रमा की सतह पर आज भारत वो चौथा देश होगा और जो दक्षिणी ध्रुव में हम पहुंचने वाले, वहां तो आज तक किसी ने कदम ही नहीं रखा, अपने आप में एक बड़ी बात। और कहीं ना कहीं ये जो आकृति है इन्होंने तो चंद्रमा को ही जमीन पर लाकर रख दिया। देखिए, हम ये सब ना जनरली अखबारों में पढ़ते रहते हैं, उस समय एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं ना, तब आप रियलाइज करते हैं कि वो जो आर्टिस्ट है उसमें क्या कला है, कैसे वो उभार रहे हैं। हम लोग देख के खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि हाउ कैन ही एक्चुअली पुट दिस, मेक दिस अ रियलिटी। एक तो वो बात है ही है, दूसरी बात ये है कि आज माने आई थिंक हर इंडियन, हर भारतीय, वो चाहे जिस भी कोने में होगा दुनिया के, उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। और कुछ कुछ वो होता है ना, एक एक मूवीज भी अभी आई हैं, जैसे मंगलयान, थोड़ी इस तरफ रुझान भी हो गया है हम लोगों का, तो इसलिए भी हम लोग ये चंद्रयान 2 को बहुत गौर से फॉलो कर रहे हैं। जैसे सब फ्रेंड्स लोग आपस में बात कर रहे हैं, वैसे आज हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम से 15 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग अकेले आए हैं घूमने के लिए, तो हम लोग को भी ये बहुत जोश है मन में, और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आज रात को हम लोग को जगे रहना चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ दैट मोमेंट व्हेन इट एक्चुअली लैंड्स एंड मेक्स हिस्ट्री समवेयर। वी होल्ड दैट इन आवर हार्ट्स एंड आई होप दैट वी ऑल आर देयर टू विटनेस दैट मोमेंट वेयर वी कैन स्टैंड विद द कंट्री एंड फील सो प्राउड। यही वो भावना है मैम जो इस समय हर हिंदुस्तानी के मन में है कि ये ऐतिहासिक पल जो हमको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, और आज हमें वो सुदर्शन आज चंद्रमा पे लेकर जा रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आप कहाँ से आई, आप कहीं बाहर से आई हैं घूमने के लिए आई? जी, मैं कनाडा से आई हूँ, और मैंने तो बहुत बार ये देखी हुई थी ये पेंटिंग सुदर्शन की, बट दिस इज अमेजिंग, बड़ा मजा आ रहा है। आज अपने ही मिट्टी पर मौजूद है, जब आज ये ऐतिहासिक पल भारत रचने वाला है तो आज आप अपने ही देश में मौजूद हैं। यार, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, थैंक यू सो मच। सामने ये जो चंद्रमा की आकृति उकेर रहे हैं, ये देखकर क्या लग रहा है कि चंद्रयान के साथ ही चल रहे हैं? रियली, या डेफिनेटली ऐसे लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वेरी नाइस फीलिंग, रियली हार्ट टचिंग, एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। बच्चे भी हैं यहाँ पर और ये देश का भविष्य है जिन्हें आगे इस विरासत को लेकर जाना है। ये आप लोग जो यहाँ पर सैंड आर्ट देख रहे हैं कैसी लग रही है, और जब मून पर हमारा चंद्रयान पहुंचेगा तो वो बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है? Yeah, it's gonna be very historical. ये सैंड आर्ट कैसा लगा आपको? I think it's really nice, really love it. तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं खासतौर पर, और सिर्फ यहाँ से, देश के ही नहीं, देशवासी ही हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों से भी आए हुए हैं, और उसके बाद जब अपनी धरती पर इस समय खड़े हैं तो अलग ही गर्व की अनुभूति है। और उसके सामने जब ये चंद्रमा की सैंड आर्ट, जिस तरह से चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसको रेत पर उकेरने की जो कोशिश की है सुदर्शन पटनायक ने, उसको देखकर लोग बेहद अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय शाको के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ पुरी।